नमस्कार, मैं हूं निपाल शाह। आज इसी म्यूज़िक को हम समझाएंगे आपको, हेवी वेट ये कैसे बजेगा, वो भी स्टाफ नोटेशन पर। ये बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, बहुत इजी। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ए माइनर स्केल, A B C D E F G A, A B C D E F G A, आपको मालूम है। और फिर रिवर्स करें, A G F E D C B, A G F E D C B, A G F E, ये नट पोजीशन में है। अगर इसे फिफ्थ पोजीशन में बजाएं, पोजीशन में A B C D E F G A, B C D E F G, A B C, 4-4 टाइमिंग। यहाँ सी लिखा हुआ है, ये सी का मतलब है कॉमन टाइमिंग, कॉमन टाइमिंग का मतलब होता है 4-4। ये 4-4 हम लोग काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, और स्ट्रेट 8 और स्विंग 8, ये दोनों हम लोग समझेंगे आज। स्विंग 8 क्या है, स्ट्रेट 8 क्या है। स्ट्रेट 8 एक बार में हम लोग 8 तक काउंट करते हैं, 1 एंड, जैसे कि 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड को हम लोग काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जैसे कि एक बीट में 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब सिंगल नोट बजाते हैं, जैसे कि क्वेवर नोट, 8 क्वेवर नोट एक बार में होता है, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। अब 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड हम लोग किस तरह से बजाते हैं, समझ लीजिए ओपन स्ट्रिंग में बजा रहे हैं, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, इसे कहते हैं स्ट्रेट 8। स्ट्रेट 8 और स्विंग 8, स्विंग 8 क्या होता है, स्विंग 8 में 2 क्वेवर लिखा रहता है, तो 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं। और स्विंग को, स्विंग होता है एक बीट में अगर 3 नोट होता है, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब यहाँ 1, 2, 3 तीन नोट लिखा है, इसमें आप देखिए सिर्फ यहाँ एक टाई दिया हुआ है, ये टाई का मतलब इसे स्ट्रोक नहीं करेंगे, 1 एंड, यहाँ एंड करेंगे, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। अब यहाँ लिखा है स्ट्रेट 8, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, और यहाँ है स्विंग 8, इसको कैसे बजाएंगे, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, समझ गए। अब यहाँ लिखा है रेस्ट 10 2 एंड रेस्ट 10 रेस्ट 10, इस तरह रेस्ट 10 2 एंड रेस्ट 10 रेस्ट 10, अट्टा टा टा अट्टा टा टा टा। अब यहाँ बजाएंगे टा 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 अट्टा अट्टा, समझ गए। अब चलते हैं हम लोग म्यूजिक पर, कैसे बजाएंगे ये नोटेशन। अब यहाँ भी लिखा है, देखिए 2 क्वेवर को इस तरह से लिखा है, मतलब टाटा 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 नहीं बजाएंगे, हम लोग बजाएंगे टाटा टाटा टाटा, ये सब टाटा 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 इस तरह से बजेगा। तो यहाँ लिखा है अट्टा टाटा अट्टा टाटा, देख लीजिए ठीक से, अट्टा टाटा अट्टा टाटा 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 अट्टा टाटा अट्टा टाटा 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 अट्टा टाटा, फिर अट्टा टाटा 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 अट्टा अट्टा टाटा 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 अट्टा टाटा, इस तरह से पढ़ लीजिएगा। अब सीधा आते हैं यहाँ पर, लिखा है रेस्ट ई जी ए, ये रेस्ट ई जी ए, इसको पढ़िए ठीक से, रेस्ट ई जी ए, रेस्ट ई जी ए, रेस्ट ई जी ए, रेस्ट ई जी ए। अब उसके बाद रेस्ट ए ए जी, रेस्ट ए ए जी, नेक्स्ट ऑक्टेव में रेस्ट ए ए जी, ए सी ए सी, रेस्ट ए ए जी ए सी ए सी, रेस्ट ए ए जी ए सी ए सी, डी सी डी ई, डी सी डी ई, डी सी डी ई, हो गया डी सी डी ई। फिर नेक्स्ट रेस्ट ई जी ए, रेस्ट ई जी ए। अब यहाँ से यहाँ तक बजाते हैं हम, रेडी, 1
to rest. E G rest. A A G A C A C. यहाँ से बजा रहे हैं. Rest. E G A rest. A A G A C A C D C D E rest. E D A. यहाँ तक हो गया. अब फिर यहाँ से देखते हैं. Rest. A A G A C A C D C D A B. D C A B. D C A B. उसके बाद फिर सेम चीज. Rest. E G A. सेम. Rest. A A G A C A C. हो गया. उसके बाद D D C D E E. 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 उसके बाद rest E D C. Rest E D C D C A C. Rest E D C D C A C. Rest E D C D C A C. D C A B. D C A B. D C A B. फिर rest E G A. Rest E G A. फिर उसके बाद यहाँ से आते हैं. Rest A A G A C A C. Rest A A G A C A C. D C D E. D C D E. फिर rest E G A. यहाँ से समझा रहे हैं. E G A. Rest A A G A C A C. D C D. D C A B. D C A B. फिर rest G E G A. rest E G A. फिर यहाँ से rest A A G A C A C D D C D E E. फिर उसके बाद rest E D C D C A G E D C A E D C A. फिर E G A. 1 2 3 4 यहाँ तक रुकना है. अब हम इसको स्लो स्पीड में बजा रहे हैं. आप भी मेरे साथ बजाइए. देखिए आप भी बहुत जल्दी सीख जाएंगे. और हाँ, आप स्किप मत कीजिए क्योंकि इसके बाद मैं इसी का रिदम पैटर्न दिखाऊंगा वो किस तरह से आप बजाएंगे. स्लो स्पीड में बजा रहा हूँ. 100 स्पीड. आप मेरे साथ भी कोशिश कीजिए. रेडी. 1 2 3 A A G A C A C D C A A G A C A C D C A B E G A A A G A C A C B D C D E E E D C D C A C D C A B E G A A A G तक आप बजाइए. पहले स्लो स्पीड में बजाइए. धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए. अब डबल स्पीड में कर लेते हैं. 100 स्पीड था, अब 200 स्पीड में बजाएंगे. धीरे धीरे आप भी प्रैक्टिस कीजिए. बहुत जल्दी आप बजा पाएंगे इसे. 1 2 3 Thank you.
चलिए ये म्यूज़िक आप सीख लिए, अभी हम इसको आप इसके साथ रिदम पैटर्न कैसे बजाएं वो पैटर्न भी आप देख लीजिए। बहुत इजी तरीके से है, जिस तरह से हम लोग ये बजाए थे स्ट्रेट एट और स्विंग एट। स्विंग एट में क्या है, 1 2 1 2 1 2 1 2, ए माइनर कॉर्ड आपको मालूम है। अब 1 2 1 2 1 2 1 2, अब इसको हम लोग फिफ्थ पोजीशन में ए माइनर बजा रहे हैं, डी माइनर फिफ्थ पोजीशन में और ई सेवेंथ फिफ्थ पोजीशन में। ये कॉर्ड अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा आप किस तरह से बजाएंगे ये कॉर्ड ए माइनर। तो इसे रिदम पैटर्न कैसे बजाएं, 1 2 1 2 1 2 स्ट्रेट एट नहीं बजा के हम लोग स्विंग एट 1 2 1 2 1 2 1 2। अब सेम चीज़ नहीं बजा के, एक बार ओपन, दोनों ओपन, और सेकंड टाइम जो बजाएंगे म्यूट ओपन 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हम लोग रिदम पैटर्न के साथ इसी कॉर्ड को बजाएंगे, जैसे कि जरा स्पीड स्लो कर दिए 1 2 3 4 1 2 रेस्ट डा ए माइनर डी माइनर ई सेवन ए माइनर। लास्ट टाइम आप कोशिश कीजिए, बहुत जल्द सीख जाएंगे आप। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, तो फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।